हेलो बच्चों, चलिए आज हम यूज़ ऑफ मोस्ट और यूज़ ऑफ मोस्टली को सीख लेते हैं। तो मोस्ट का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जान लें। मोस्ट का जो अर्थ होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। और इसका यूज कहाँ पे करेंगे, वर्ब के बाद, आफ्टर वर्ब लिखा है ना, वर्ब के बाद। और ये क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब के बारे में थोड़ी जान ले, एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब एन एडवर्ब इज वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, यानी क्रिया की विशेषता। और आगे लिखा है एन एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब, क्रिया की विशेषता बतलाने के लिए वर्ब के बाद या वर्ब के पहले एडवर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखें, ही वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। तो यहाँ पे जो हार्ड है वो क्या है, एडवर्ब है। वहीं ही कम्स, यहाँ कम लिखा है जबकि यहाँ पे यस होना चाहिए। चलिए थोड़ी हम यहाँ पे एड कर देते हैं, देखिएगा ना, यहाँ पे कम्स होना चाहिए था, यस होना चाहिए था, ये यस। ही कम्स सडनली, वह अचानक आता है। सी इज वेरी स्लो, यहाँ पे देखिए इज वर्ब है, कम्स वर्ब है, वर्ग भी वर्ब है। ही वर्क, यहाँ वर्क की जगह यस होना चाहिए, ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। ऐसे तो ध्यान दें कि जो भी एडवर्ब यूज होते हैं कहाँ पे, वर्ब के तुरंत बाद। देखिए वर्ब और इसके बाद एडवर्ब, वर्ब फिर एडवर्ब, एड यानी जोड़ना, वर्ब मतलब वर्ब के बाद। कोई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप जोड़ रहे हैं तुरंत, ठीक है, जो वर्ब की विशेषता बतलाए उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब, ठीक है। इज वेरी स्लो, ठीक है। तो ये हुआ एडवर्ब। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं एडवर्ब में। एग्जाम्पल में देखिए, द मैन हुम आई लाइक मोस्ट इज राजू। तो एडवर्ब का यहाँ पे मोस्ट का अर्थ क्या होता है, सबसे अधिक। तो मैं सबसे अधिक किसको पसंद करता हूँ, राजू को। यहाँ पे मोस्ट का अर्थ क्या हुआ, सबसे अधिक के सेंस में। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द मैन हु टॉक्स मोस्ट इज रोहन। सबसे अधिक बात करने वाला व्यक्ति कौन है, कौन है, रोहन है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट का यूज हमने किया है, और मोस्ट क्या है, एडवर्ब है। देखिए वर्ब के तुरंत बाद हमने यूज किया, टॉक्स वर्ब हुआ, और इसके बाद तुरंत हमने मोस्ट का यूज किया। लाइक वर्ब है, और इसके बाद तुरंत हमने किसका यूज कर लिया, मोस्ट का। तो याद रखिएगा कि कहाँ पे कौन सी चीजें यूज करना है। वर्ब के बाद एडवर्ब यूज होता है, लेकिन पहले भी हो जाता है जब कभी वर्ब को ज्यादा मॉडिफाई करना हो तब। अब देखिए यूज ऑफ हम देख लेते हैं मोस्टली। मोस्टली का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, अधिकांश, यानी किसी भी चीज़ का जो अधिकांश भाग हो उसके बारे में अगर हमें बतलाना है तो हम मोस्टली यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये भी एडवर्ब है, तो इसके एडवर्ब होने के कारण इसमें इसका भी यूज जो हम करेंगे वो भी वर्ब के बाद ही करेंगे। फॉर एग्जांपल देखें इसका, जैसे द स्टूडेंट वर मोस्टली इन अ टेंटिव, इन अ टेंटिव, इसका अर्थ होता है केयरलेस। अगर यहाँ पे हम यूज करते द स्टूडेंट्स वर मोस्टली केयरलेस, यानी छात्र का अधिकांश जो हिस्सा है या भाग है, जो या यूँ कहा जाए कि जो छात्र है वो अधिकतर क्या है, केयरलेस यानी लापरवाह है। तो सेंस के अकॉर्डिंग ही आपको यूज करना है मोस्ट और यूज करना मोस्टली, ठीक है। सेंटेंस क्या कहता है, सेंटेंस में मीन्स क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप मोस्ट या मोस्टली यूज करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, हिज स्टॉक कंसिस्ट, स्टॉक यानी होता भंडार, कंसिस्ट यानी मिला हुआ। हिज स्टॉक कंसिस्ट मोस्टली ऑफ आउटडेटेड थिंग्स, यानी जो उसका भंडार है, तो भंडार का जो अधिकांशतः हिस्सा जो है वो काहे से मिलकर बना, आउटडेटेड थिंग्स यानी खराब वस्तुओं से, ठीक है। तो देखिए अधिकांश हिस्सा, तो देखिए जब हम अकॉर्डिंग टू मीन्स जाएंगे तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मीन्स में यहाँ पे मोस्ट का अगर यूज करते तो क्या आ जाता, हिज स्टॉक कंसिस्ट मोस्ट ऑफ आउटडेटेड थिंग्स, यानी उसका जो भंडार है सबसे अधिक खराब चीज है। तो ये सही नहीं हो रहा, अधिकांशतः जो भाग है वो क्या हो गया है, किससे मिलके बना है, खराब वस्तुओं से। तो इस प्रकार हम मोस्ट और मोस्टली को फिल करेंगे उनका मीन्स जान करके। और सबसे पहली बात क्या होती है कि जब भी हम कभी एडवर्ब या किसी भी सेंटेंस को हम फिल करते हैं तो उसमें हमें जो फिल करना है उसका अर्थ जरूर पता होना चाहिए। यानी मोस्ट का अगर आपको अर्थ पता है तो आप सेंटेंस रीड करके अच्छे से आप समझ करके और फिल कर लेंगे, ठीक है। और ये पता होना चाहिए कि हो कहाँ, यूज कहाँ हो रहा था, ठीक है। एडवर्ब को यूज हम कहाँ करेंगे, वर्ब के बाद या वर्ब के अंत में भी किया जा सकता है। अब वो अकॉर्डिंग टू मीन्स ऑफ सेंटेंस, आपको सेंटेंस के मीन्स पे जाना है, उसके बाद करना है। तो चलिए आपको कुछ मैं होमवर्क देता हूँ, तो उसको आप
पढ़ें और पढ़ने के बाद क्या करिए, जो भी सही आंसर हो उसको आप कमेंट्स बॉक्स पे सेंड करें। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, द ऑडियंस कंसिस्टेड इन द ब्लैंक्स ऑफ स्टूडेंट, ऑप्शन के तौर पे मोस्ट और मोस्टली है। नेक्स्ट एग्जांपल, द कैंडिडेट आर फिल द ब्लैंक्स इन एक्सपीरियंस, मोस्ट आर मोस्टली फिर से ऑप्शन है। देखिए जब आप यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं, इंग्लिश से सेंटेंस लिखे हैं, यदि आपसे नहीं बनता है इनका अर्थ, जैसे कैंडिडेट का अर्थ क्या होता है, एक्सपीरियंस का अर्थ क्या होता है, ऑडियंस का अर्थ क्या होता है, तो इसको आप गूगल ट्रांसलेटर में जा करके आप सर्च कर सकते हैं। फिर अच्छे से सेंटेंस का मीन्स जब पता हो जाए तो आप मोस्ट और मोस्टली को फिल कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सी लव सहर, वह उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैं अर्थ बता दिया हूँ आपको, यहाँ पे फिल करना है। अब वो कौन सा होगा आप फिल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो फिल इन द ब्लैंक्स है लास्ट में दिया है, मतलब एडवर्ब का यूज हम क्या करते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को भी अगर हम ऑब्जेक्ट की विशेषता बतलाएं, बट यहाँ मोस्ट जो यूज हो गया, मोस्टली यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की क्रिया को बताएगा। सी लव्स हर, वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो अर्थ में ही आ रहा है कि प्यार करना एक वर्ब हो गया, अब बहुत ज़्यादा, ठीक ना। तो मतलब वर्ब की हम क्या विशेषता बतला रहे हैं, इसलिए एडवर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जो मैं मीन्स बताया था, सी लव सहर, वह उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो ऐसा ना करें। सी का अर्थ होता है लड़कियों के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, तो वह उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है। और हर लिखा है ना, और तो हर का यूज़ कहाँ, लड़की के लिए ही है, किसी लड़के के लिए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स हैव बीन इन द ब्लैंक्स मेन, और यहाँ पे मोस्ट और मोस्टली का यूज़ करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल यू हैव, वी शुड नॉट से दैट, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, एंड द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, ही हेल्प मी इन द ब्लैंक्स टू गेट ओवर माई डिफिकल्टीज, फिर से आपके पास दो ऑप्शन है, मोस्ट या मोस्टली। अब बढ़िया, जब इनको आप फिल इन द ब्लैंक्स करें ना, तो पहले से ही आप बना ली, ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद की टू गेट ओवर माई डिफिकल्टीज, ठीक है। तो पूरा का पूरा अर्थ पहले निकाल लें, इसके बाद मोस्ट होगा कि मोस्टली होगा, ठीक है ना, फिर फिल करें, जिससे आपका गलत तो बिल्कुल ना हो। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द बुक्स इन हिज लाइब्रेरी आर फिल इन द ब्लैंक्स नॉवल्स, नॉवल्स यानी क्या होता है, उपन्यास, ठीक है। तो अर्थ मैं आपको नहीं बता रहा, नहीं तो आप जल्दी कर लोगे, तो थोड़ी मेहनत करिए, जिससे आपको कुछ मीन्स ही पता हो जाए इन वर्डों के। सो आप इन जो 6 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनका आप बढ़िया अच्छे से स्टडी करें, उसके बाद इनके आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर सेंड करें।